नमस्कार, हिमाचल अभी के स्टूडियो से मैं राधा ठाकुर पेश है आज के मुख्य समाचार। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। हिमाचल के पूर्व सीएम शांता कुमार की पत्नी संतोष शैलजा का कोविड-19 से निधन, बेटे विक्रम ने दी मुखाग्नि। टंग नरवाणा में लक्ष्मी नारायण धाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट रहा कारण। ब्रिटेन से लौटे 6 लोगों में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, सभी पॉजिटिव को आइसोलेट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा आगे। कर्नाटक विधान परिषद के उपाध्यक्ष का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, सदन में बदसलूकी से थे आहत। ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया ने किया हिसाब चुकता, बॉक्सिंग डे टेस्ट में 8 विकेट से दी शिकस्त। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल के पूर्व सीएम शांता कुमार की पत्नी संतोष शैलजा का मंगलवार आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में अंतिम सांस ली। वो कुछ दिनों से कोविड-19 से संक्रमित थी और उपचार के लिए उन्हें टांडा अस्पताल में दाखिल किया गया था। पूर्व सीएम शांता कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हैं और वे भी टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचाराधीन हैं। पालमपुर में कोविड-19 नियमों के तहत घुग्गर में अंतिम संस्कार किया गया। बेटे विक्रम शर्मा ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर शांता कुमार व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार समेत स्थानीय एसडीएम और तहसीलदार भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर सहित प्रदेश के नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। धर्मशाला के निकट नरवाणा गांव में टिकरी गांव स्थित लक्ष्मी नारायण धाम में अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग इस पर काबू पाने के लिए दौड़े। वहीं इस बारे में दमकल विभाग को भी सूचना दी गई। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, पर तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग से करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। सुबह 9:30 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लक्ष्मी नारायण धाम के नजदीक विधि चंद का मकान है। विधि चंद ने लक्ष्मी नारायण धाम से धुआं निकलते देखा और लोगों को सूचित किया। वहीं पुलिस चौकी योल के प्रभारी करतार सिंह ने बताया कि आग से करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट लग रहा है। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के 6 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। ये सभी ब्रिटेन वेरिएंट जीनोम की चपेट में मिले हैं। इनमें से 3 के नमूने बंगलुरु में निमहंस में, 2 के हैदराबाद के सीसीएमबी और 1 मरीज के पुणे के एनआईवी में जांच के लिए भेजे गए थे। इन सभी को एक कमरे में आइसोलेट कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिटेन से भारत आए 6 लोग ब्रिटेन में मिले SARS-CoV-2 के नए स्ट्रेन से संक्रमित मिले हैं। 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच लगभग 33,000 यात्री ब्रिटेन से विभिन्न भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचे। इन सभी यात्रियों का राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा RT-PCR परीक्षण और उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। अब तक केवल 114 लोग कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के 353 किलोमीटर के सेक्शन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। बुलंदशहर के खुर्जा से लेकर कानपुर देहात के भाऊपुर तक के इस सेक्शन के उद्घाटन के लिए प्रयागराज, भाऊपुर और खुर्जा में 3 जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं। DFC के इस रूट पर मालगाड़ियों का संचालन शुरू होते ही ट्रैक पर मालगाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ बीते 6 साल से देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। शीर्ष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। कर्नाटक विधान परिषद के उपाध्यक्ष एसएल धर्मगौड़ा का शव चिकमंगलुरु के कडूर के नजदीक रेलवे ट्रैक पर मिला है। शव के पास से बरामद हुए सुसाइड नोट से लग रहा है कि वे सदन के भीतर हुई बदसलूकी से बेहद आहत थे। बीते दिनों सदन में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। वे पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी के विश्वास पात्र थे। उनके भाई एसएल भोजे गौड़ा भी एसएलसी हैं। धर्मगौड़ा दिसंबर 2018 में उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। धर्मगौड़ा का शव मंगलवार तड़के 2 बजे मिला है। लो प्रोफाइल 64 साल के गौड़ा हाल ही में तब चर्चा में आए थे जब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सदस्यों ने गैर कानूनी तरीके से सत्र की अध्यक्षता करने की कोशिश करने के लिए उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया था। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने उन्हें अध्यक्ष की सीट से जबरदस्ती खींचकर हटा दिया और आरोप लगाया कि उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के अपर सदन के अध्यक्ष प्रताप चंद्र शेट्टी को बाहर कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी और उच्च सदन में इस पर मतदान होना बाकी था। भारतीय क्रिकेट टीम ने मंगलवार को मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से मात दी। इसी के साथ अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में टीम इंडिया ने एडिलेड में मिली करारी शिकस्त का हिसाब भी चुकता कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 70 रन का आसान लक्ष्य रखा था, जिसे मेहमान टीम ने 15.5 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उसकी पहली पारी 195 रन पर ऑल आउट हुई। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 326 रन बनाए और पहली पारी के आधार पर 131 रन की बढ़त बनाई। इसके बाद मेजबान टीम की दूसरी पारी 200 रन पर ऑल आउट हुई और इस तरह भारत को जीत के लिए 70 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने 15.5 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शुभमन गिल 35 और कप्तान अजिंक्य रहाणे 27 नाबाद रहे। भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे को मैच में धुआंधार शतक जमाने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी अभी के साथ। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।